बहराइच कैशलेस व्यवस्था को लेकर शिक्षक आंदोलित हैं। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच ज्योति राय को सौंपा। उनका कहना है कि सरकार द्वारा सरकार बनने के बाद ट्वीट किया गया था कि शिक्षकों को कैशलेस व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हमारा बीमा कराया जाएगा, जिसकी सालाना 76,000 है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि इस व्यवस्था को वापस लिया जाए, अन्यथा हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा हिसाब से कार्य किया जाए। जो कैशलेस चिकित्सा के लिए सशुल्क कैशलेस चिकित्सा का शासनादेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के क्रम में, क्योंकि ये जो शासनादेश जारी हुआ है बिल्कुल अव्यवहारिक है, गलत है, क्योंकि इसमें पैसा देकर हमको बीमा सुविधा मिल रही है, जबकि राज कर्मचारियों को यही सुविधा निःशुल्क में मिल रही है। सरकार हमको कर्मचारी मानती है लेकिन कर्मचारियों की सुविधाएं नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा था कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, किंतु जो शासनादेश हुआ है इसमें पैसा देकर हमको व्यवस्था लेनी है और 18,500 से लेकर 76,000 रुपये तक का एनुअल प्लान है, उस हिसाब से हमको सुविधा मिल रही है। इसका हम पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। हम मांग करते हैं जैसे राज कर्मचारियों को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था, ऐसे हमको भी मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था आप ट्वीट करके, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था, तो हम माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करते हैं कि आप अपने वादे पे खड़े उतरिए और हम लोग को निःशुल्क कैशलेस व्यवस्था शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को दे दीजिए, पूरा प्रदेश आपका जय जयकार करेगा। अन्यथा की स्थिति में जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व निर्देश करेगा, जिस भी प्रकार से, जिस भी स्तर का विरोध, हम उस प्रकार का विरोध करेंगे। मैं आनंद मोहन मिश्र, जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद बहराइच।